डुग्गर प्रदेश जम्मू दी धरती दी गल करचै ते मते सारे देवी देवतें दा स्थान है डुग्गर धरती। मते सारे कुल देवते न ते साढ़ा हमेशा गै प्रयास होंदा है कि अस तुसें कुसै नमें देव स्थान उप्पर लेइयै चलचै। ते अज इसै कड़ी च तुसें रियासी जिले दे पंचायत जेड़ी ते ग्रां गुणगुस जेड़ा के कलूरा देवता जी हुंदा देव स्थान है, आओ अज उत्थों दी तुसें सैर करवाने आ। कलूरा जी हुंदा के इतिहास है वो जानने की कोशिश करके। अगर कलूरा देवता जी हुंदी गल करचै, गोजरी बाई ते सिंगलियोट दो मुख्य हुंदे जेड़े स्थान, ते उहदे बाद गुणगुस दा नाम आंदा है। ते इहदे अलावा अगर अस गुणगुस ग्रां दी गल करचै ते चौने पासियां हरे भरे जंगले कन्ने इलाका जेड़ा अपनी सुंदरता चार चंद लाई दिंदा है। आओ अज साढ़े कन्ने जुड़ो, चलो अज गुणगुस चलते। आसन काली तारा पवन खड़ा करे सारी बर्शे मंगे आला पहला डेर है गोजरी बाई तोरा ताल करे नगारा रखी गुण गुसारे तेज गांधा गुणी में गई अरे छोटे था मेरा तो गुणिया में गए मुला मिलवाने पेला बड़े ही अंदर सारा सारे गुड्डे तो किले तो कलूरा किले लाया पहला किले किटे दूजा किले जनुए किला लाके चौथा किले मैरिए पंजवा किले चोट देंदे देव कलूरे की तख्त रियोरी दा जो कह दिया कौड़ा चलिया हा मतलब के डनी धारा रजौरी दा रजौरी दा चलिया हा ते मतलब के जिस वेला उत्थों निकलिया हा ते इसने के कीता के डनी धारा उत्थे रजौरी बां इक लेकिन बां ओह ते बाईं पर उन्हें पानी पीता एक फुल सा उसने पकड़ेदा वह फुल जेका उत्थे आडा पर टकाई उड़िया ते आपू निकली आया। इन्हें कीती माता वैष्णो दी भगति ते राजा सलमान ने पाप कीता दा पाप जेका नहीं छपदा नहीं छपदा। इन्हें भगती की माता वैष्णो की 12 साल तपस्या की पूरा भगत हो जा मारे नहाई धोई इन्हें पूरी भगती करनी तो जिस वेले प्रगट मान हुई माता ने सनमुखे दर्शन दिते भी उन्हें आख्या मंग लै जो मंगना तू धन दौलत जो भी है तू मंगी लै। उन्हें आख्या मैं किश नहीं चाहिए ना धन चाहिए ना दौलत चाहिए ना माया चाहिए मिगी इन्नी शक्ति दे कि जेकी राजा सलमान की 9 लाख सैना सारी खत्म हुई खत्म हो खत्म करनी। इसने के करना कि भगती करनी ध्याड़ी भगती करना राती जानी है रानिए कन्ने चौपड़ खेडनी ते राजा सलमान की देश टकाला कियां होया। राजा सलमान ने जेका पाप कीता दा जेका बुढ़ी माई दा लड़का नीयां हठ बढ़िया दिता दा हा ते वह पाप लगे दा वह मसले बुढ़ी जेकी अग्गी दा ठीकर सिरे रखी है ते मक्कै जेही फरैदी मक्कै मतलब कोई इ'यां अस जा दे आवां जां रस्ते बिच कुतै मलाटी होई गई पंजे पीरे कन्नै उन्हें आखिया माए कुत्थे चली असें मक्कै चली आं असें मक्कै की चली असें मेरा फलाना राजा ने असें इक इक लड़का हा बड्डिया नीयां हठ देई ओड़िया ते मैं ओह्दा कोई न्यां करान चली आं। उन्हें आखिया पंज पीर अस आं उन्हें आखिया नहीं पंज पीर मक्कै न इत्थे नहीं रस्ते थोड़े उन्हें आखिया नहीं असै माए पंज पीर असै उन्हें त्रै बारी आखिया उन्हें आखिया माए अक्खी बंद कर दू अपनी दिशा चली उन्हें कीतियां उन्हें अपनी दिशा आई पंजे पीरें राजा सलमान की सियालकोट का कटिया सियालकोट का मतलब के राजा सलमान की 9 लाख सैना थी जो इट थी जो उसे मटीरियल लगे था सारा डाका डाका संगोर दिखी इं लुगी जगह उसे डेरा लाई डेरा लाई लिया जिसलै डेरा लाई लिया उन्हें आखिया इतने कुसै माड़े कन्नै नहीं छेड़ा करने पाप नहीं छपी सकता पाप थोड़े छपदा पाप का घड़ा जेका वह नहीं भजदा नहीं छपदा ना। जिस वेला वह नहीं मतलब कि इन्हें के करना कि भगती करनी माता वैष्णो की भगती करियै मतलब कि दिने भगती करनी राती चौपड़ खेडनी राणिए कन्नै मतलब कि राणिए की कोई पता नहीं है कि राजा जां कौन है मतलब राजा का रूप धारना चौपड़ खेडनी बड़े चली जाना संगली ने अपने भगती करता रहा 12 साल तपस्या की
जिसलै तपस्या करने बाद उन्हें मतलब कि रोज ऐसा काम हो एक दिन जियां अस बाजार गए दे चाहे रियासी जन्ने उठी आं भाई घर आह्लें पुछने आं कोई फलानी चीज आननी जां ढिंडी आननी घर फोन करियै जरूर पुछने सब्जी आनना केह् आनना लेकिन इ'यां गै रानियें गी राजा ने चिट्ठी पाई भी तुसें गी किसै गल्ला दी कमी जां कोई पेशी उन्हें आखेआ हे राजा तुस भोले पर रोज साढ़े कोल असें किस चीज की कमी है लेकिन राजा दे भी थोड़े कन्न खुली गए भाई यार मेरे कन्नै उत्थें भी ऐसा बारा तरह हुआ इत्थें भी इ'यै किश हुआ खैर ओह् अजकल ते लड़ाई करदे न जां दिक्खो समय पर मुताबक इ'यां पिछुआं देउड़ी पत्थरे दे उसलै सनमुखियां लड़ाइयां सनमुखियां लड़ाइयां हियां मूंह सामनै लड़ाइयां हियां गल्लें दियां लड़ाइयां हियां लेकिन इक दुए दी करतूत दी लड़ाई थी जिसलै माता वैष्णो ने इसी संगली गी मतलब पूरा वरदान दित्ता दा एह् अग्गें चौपड़ खेढा राजा ने भी दिक्खेआ नहीं चौपड़ खेढा दा उन्हें आखेआ संगली गी भाई तू कर बार पहला उन्हें आखेआ ना कसूर में करा बार थोड़ा पहला माड़ा नहीं है पहल थुआड़ी ते दूज मेरी इन्हें केह् कीता कि राजा सलमान ने तलवारी का फट मारिया लेकिन उसी बज्जिया नहीं वो सप रूप हो जा दरबार च ढली गया अज भी उस ड्यूटी के बिच मतलब संगोर देखो जाइए मंदिर है जिते मंदिर के बिच उस तलवारा का पूरा निशान लगे दा फट लगे दा मतलब कि उस सप रूप ढली गया जल्द ढली गया तो मुड़ी मनुख रूप आई गया उन्हें आख्या उसी राजा सलमान की पूछा है तेरा बार हो गया मेरा हो गया तो इसने क्या किलक मारी 9 लाख सैना नाड़े कोला भी नहीं खत्म होई रही है किश मतलब कि जिस जिस काम करते रही रानियां सिर बाधियां सिर बाधियां जिस जिस का कतारब जिस कतारब करा दिया उस कतारब दे सैल पत्थर होई सैल पत्थर होई शक्ति घड़ी संगली संगली चक्कर जड़ी यह फिर गया माता वैष्णो कोल जाई फरियादिया उन्हें आख्या जा भाई मिगी वरदान दे उन्हें आख्या 12 साल भगती होर करें तो फ्ही वरदान थ्होंदा उन्हें आख्या मैं किन्नियां भगतियां करूँ ते कदूं गै सैना संभव उन्हें आख्या जा थोड़ी कुली कुली बिचा होवे कोई उन्हें आख्या मैं नहीं ब्याह कीता नहीं बार कीता माड़ी कुली चा कौन होना उन्हें आख्या माता वैष्णो लगी आखिर तेरी कुली चा है उन्हें आख्या फिर माता रानी तू सदी सकनी मेरे कुछ कोई साधन नहीं है उन्हें तसूल चाढ़ी चुट्ठी छंडी सप्पे दे सप्प गाउंदे ने बिच्चू नहीं बनदे हैनी एह भी जेह्का कलूरा हा ना एह भी एक राजा राजा हैनी इन्हें जिसलै चिट्ठी उत्थे पेई जाइए चिट्ठी पढ़ी उन्होंने ते माऊ दा बिजत पेई जाए दस प्यो कुत्थे है उन्हें आख्या मां भी दिखना गया बड़ा बुरा रिड्ड होंदा उन्हें 100 बुलावा सच नहीं दसदी उसी 100 बुलावा पाया दूआ त्रीआ उन्हें गलबात जेकी थी उन्हें नहीं मतलब कि छोच दी उन्हें आख्या मैं प्यो कन्नै लड़ाई लड़ जाना बिल्कुल उन्हें आख्या नहीं जाना उत्थे मारू दिन जे होंदा उन्हें आख्या मैं प्यो कन्नै लड़ाई लड़नी जो मर्जी होई बिल्कुल उन्हें अपने पहरदारें गी आख्या भाई ले भाई नीला घोड़ा मेरे दे हार शिकार करियै ड्यूटी दे बिच लेई जाओ बिल्कुल उन्हें जो नौकर ने उन्हें मननी उन्हें बेचारे हार शिकार किया घोड़ा आनी ड्यूटी के बिच खड़ेरू रहा जल्द राजा भी तैयार होइया उन्हें घोड़े ही गल्लां सनाईया उन्हें आख्या अद्धी बत्ता नहीं छोड़िया मिगी तोड़ पजाना ही उन्हें आख्या जा तेरे धर्म दौलत होई मिगी तोड़ लेइए जाओ तुझी अब एक चीज जी घोड़े ने जवाब दिता उन्हें आख्या कि जेकर तू उबड़ी लगाम खिंचगा तो मैं तू कोई गास चाढ़ी ले जाऊँगा पिछे कुला नास्ती होनी जानी पिछे जेकी प्रजा सारी कुला नास्ती होंगी तो उन्हें आख्या कि ऐसा भी नहीं करना भी जेकर प्रजा सारी कुला नास्ती खत्म हो जा तो साढ़ा नाम कौन लैग असं कौन मनू ऐसा नहीं करना उन्हें आख्या फिर अड्डी लागा तू मैं पदार्थ टल ले चलो फिर परा लेनी होनी पिछले उन्हें अड्डी लाई जल्द तो अंदर अंदर ही क्ढी लिया जल्द उतुआ वह कुआरी कुड़ी कलूरा ना की पेदा कुआरी कुड़ी पानी भरन गई मुसलमान की ढोलां की माऊ का ना ढोला वह गई पानी भरन उन्हें फुल दिखाया बड़ा शानदार जी उन्हें इतने गुट्टी के टिके दिन मतलब कि उसने भी पानी भरिया घड़ा दे कछूर ले ले कलूरा पैदा हुई है कलूरा पैदा हुई है कलूरा ना तां पे ठीक है कलूरा ना तां पे इस गल्ला जिसलै उन्हें घोड़ा दबिया महाराज कड्ढना था संगोर ते निकले दा गोजरी बाई गोजरी बाई उत्थें मंडी बनी सारा स्थान बनिया फर्स्ट क्लास मतलब कि उत्थें मंडी बनी उन्हें तक पाई पे भाई तां फिर कड्ढना हा संगोर दा नहीं निकलिया गुनिया मेघे जा थे बिचा बाहर निकलिया जिसलै बाहर निकलिया गुनिया मेघे आख्या उन्हें आख्या छुड़ी थां माड़ा है भाई तू होर बनाई लै बनाई उन्हें गै देनी ही लेकिन छड़ी हिम्मत करनी लेकिन नहीं इन्ना जिगरा पिया
नहीं जगरा बया जल्द महाराज उन्हें कीलन पंत जो सी मुला बहाल उड़े आनी पहले कीली काली इस चीजा परे छंडने भी उड़ नहीं गल बनी कीले काले भी एक ऊँ छापे भी आखिर एक गिटा दिता दूगा जन्म है त्रीया लख चौथा मैरिए पंजा चोटी जल्द आखे एक किलक मारी गुनिया छूनिया मुला छूला पंत छंत सारे सैल पत्थर हुई उनके चा एक नूह प्यो कह गई थी गुनिया मेके चा वह बची जी बार थी उस खानदानी जे मेघ जिन्हें सर सत्र घर बने ना ये उस खानदानी बच्चे मेघ मतलब आखा दे मतलब के कई काली पीरे का मगर होइए कई किश होइए मतलब के इन दो त्रै बंदे गै आवा दे पूरे नहीं आवा दे मते घर ने लेकिन ये ऐसे रौन भुले रौन काली पीर राजा मंडी बाद मनायो तो ये राजा बड़ा कच्चा बिलकुल ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਉਹ ਉਹਦੀ ਮਤਲਬ ਖਾਨਦਾਨੀ ਚਲੀ ਪਈ ਆ ਹੈਨੀ ਦੇਵਤੇ ਹੁੰਦੇ ਇੱਥੇ ਗਏ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਉਹਨੇ ਸੰਗਿਓੜ ਦੇ ਕੱਢਿਆ ਜਦੋਂ ਕੱਢਿਆ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨੇ ਕਿ ਛੁੜਿਆ ਕਿ ਸੱਪ ਬਿੱਜੂ ਕਰੈਂਕਲਾਂ ਕਿੱਠੀਆਂ ਕਰੀਏ ਛੁੜੀਆਂ ਜੇ ਕਿ ਸੈਨਾ ਸੀ ਸਾਰੀ ਖਤਮ ਕਰੂ ਲਈ ਇੱਕ ਕੌਣ ਬਜੀ ਆ ਜਿਹਦਾ ਰਾਜਾ ਸਲਮਾਨ ਦਾ ਪਰੋਸ ਥਾ ਨੈਣ ਚੰਦ ਨੈਣ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੈਣ ਚੰਦ ਰਹੀ ਆ ਉਹ ਕੰਨੇ ਦਾ ਬੋਲਾ ਅੱਖੀ ਦਾ ਅੰਨਾ ਜੱਲਾ ਜਕਰਾ ਉਹ ਸੱਪ ਤਾਂ ਵਸੇ ਚੰਨ ਦੇ ਤਾਂ ਢਲੀ ਜਾਣ ਤਾਂ ਹੱਥੇ ਚੰਨ ਦੇ ਤਾਂ ਢਲੀ ਜਾਣ ਲੇਕਿਨ ਉਸੀ ਸੱਪੇ ਨਹੀਂ ਛੇੜਿਆ ਜਈ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਜਈ ਸੁਣਾਇਆ ਬਈ ਮੈਂ ਸ਼ਕਤੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਭਾਈ ਮਾੜੇ 'ਚ ਘੜੀ ਆ ਭਾਈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਰਹੀ ਆ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਅਗਰ ਆ ਸਕੂਲਾਂ ਨਾਸ 'ਚ ਕਰੂਗੇ ਸਾਡੀ ਲੀਲਾ ਕੌਣ ਚਲਾ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕੌਣ ਕਰੋ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਲਈ ਉਸ ਝੁਨਕੀ ਝਨਕੀ ਇੱਥੇ ਬਾਈ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਤੂੰ ਮੈਂ ਰਾਜਾ ਸਲਮਾਨ ਦੀ ਆਏ ਪਚਾਰੀਆਂ ਹੈ ਪੋਸਟੀਆਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਪੂਜਾ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਾ ਸਲਮਾਨ ਦਾ ਇੱਥੇ ਬਾਲ ਵੀ ਨਿਟਰੇ ਦਾ ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਧੋਤੀ ਦਾ ਗੜਬਾ ਸੁਣਨ ਦਾ ਟਗਾ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਦਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੇ ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਟਗੇ ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਧੋਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਗੜਬੇ ਜਾ ਤੂੰ ਜਿਹਦਾ ਬੇੜਾ ਜਾਗਾ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਲਈ ਆਟੇ ਦਾ ਸੇਰ ਤੂੰ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸਾਡਾ ਟੁੱਪਣ ਸਾਮਾ ਬਣਿਆ ਮਤਲਬ ਆਟੇ ਦਾ ਸੇਰ ਬਣਿਆ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ ਨਾ ਹੁਣ ਜਾਈਏ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸ ਬਣੇ ਨੈਣ ਚੰਦਾਰਾ ਨਨਿਆਲ ਨਨਿਆਲ ਬਣੇ ਅਤੇ ਅਸ ਬਣੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਮਝ ਲਿਆ ਦੇਵਤਾ ਦੇ ਕੁਲ ਪ੍ਰੋਤ ਅਸ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਣੇ ਅੱਜ ਜੋ ਵੀ ਕਿਸ ਕਰਗੋ ਇਸ ਕਰ ਆ ਅਸ ਇਹਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਅਸ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਉਹਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਆਣਨਾ ਆਟਾ ਆਉਂਦਾ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਕੀਤਾ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਚਾੜਨਾ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਹਵਾਲਾ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ ਚਰੂ ਲਾਉਣਾ ਸਾਡੇ ਹੱਥੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਬਾਕੀ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕੋ ਆਣੀ ਹੈ ਕੋਈ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਚਰੂ ਜੇਕਾ ਸਾਡੇ ਹੱਥੇ ਸਵੀਕਾਰ ਸਾਡੇ ਹੱਥੇ ਸਵੀਕਾਰ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਜੈਨ ਜੈ ਦੇਵਤੇ ਦੀ ਅਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਗੈ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਈ ਅਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਗੈ ਠੀਕ ਹੈ ਪ੍ਰਵੀਰ।